नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वराज छात्र कल्याण संघ द्वारा राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शाश्वत को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही कॉलेज मंडी जिले में बहुत खुले, प्रदेश में बहुत खुले, लेकिन उसके बावजूद मंडी कॉलेज में बच्चों की पढ़ने की जो संख्या है अभी भी वो शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। और उसकी वजह है कि मंडी का कैंपस और कैंपस के साथ साथ में वहाँ सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधाओं के साथ साथ में वहाँ पढ़ाई का जो स्तर है वो आज भी बहुत बेहतर है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी कॉलेज में सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या हजारों में है। एक वक्त था सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ 17 पंचायतों को सड़कें थी, आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 78 पंचायतें हैं और 78 की 78 पंचायतों में सड़कें हैं। कागज पर लिखी योजना जमीन पर उतरकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की संवेदनशील सरकार निर्णायक पहल कर रही है। सरकार की सबसे लोकप्रिय सहारा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अब पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। अगर आप सरकार की किसी योजना के पात्र हैं और उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो अब ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आप तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। सरकार ने ग्राम पंचायत प्रधानों से सहयोग की अपील की है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी मदद करें। अब राज्य में गांव स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें सहारा योजना के तहत लाभ मिल सके। भौगोलिक रूप से दुर्गम पहाड़ी राज्य में योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नेतृत्व अगर संकल्पबद्ध हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बौनी हो जाती है। जयराम सरकार ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में ये साबित किया है। मुख्यमंत्री सहारा योजना राज्य के उन लोगों के लिए बड़ा सहारा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास इलाज करवाने की व्यवस्था नहीं है। ये योजना उन्हें फ्री में इलाज तो मुहैया करवाती ही है, साथ ही 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद भी देती है। मेरे भाई प्रेम सिंह कैंसर के मरीज है, उनके लिए जो सहारा योजना 3,000 रुपया कैंसर लगी है, प्रेम सिंह का जो इलाज है वो भी फ्री हो रहा है। सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जयराम ठाकुर जी का। हमारी जो सहारा पेंशन लगाई है और गरीब लोगों के लिए काफी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। कैंसर, पार्किंसन, अधरंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया तथा थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया है। योजना के तहत किडनी की गंभीर बीमारी अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। राज्य में जिन लोगों की सालाना आय 4,00,000 रुपए तक है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गरीबों की मददगार बनी जयराम सरकार। हिमालय के आंचल में बसे हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। वर्षों से मनाए जा रहे इन त्योहारों को परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण एवं धार्मिक त्योहार शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक है। हिमाचल में शिवरात्रि की विशिष्ट परम्परा रही है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति की अनूठी धरोहर है। हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में शिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। 7 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के लोगों के लिए घाटी के देवी देवताओं के साक्षात दर्शन करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। मंडी शहर में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव
धार्मिक आस्था से जुड़ा अनूठा महोत्सव है। भगवान शिव को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंडी जनपद के सैकड़ों देवी देवताओं का आपसी मिलन होता है। घाटी के विभिन्न भागों से देवी देवता अपने कारदारों के साथ महोत्सव में भाग लेने आते हैं। नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देवी देवताओं की पालकियां जैसे ही नगर में प्रवेश करती हैं, शहर का समस्त वातावरण देवमय हो उठता है। शिवरात्रि में शोभा यात्रा की अगुवाई राजा माधोराय करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव इस साल 2 मार्च से आरंभ होकर 8 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। बड़ा देव कमरूनाग के नगर में आगमन से जहां ये महोत्सव शुरू होता है, वहीं भगवान शिव की पूजा अर्चना से शिवरात्रि महोत्सव के कार्य आरंभ होते हैं। राजा माधव मंदिर से पड्डल मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा, जिसे जलेब कहा जाता है, आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के दौरान समस्त मंडी शहर का शोभायमान दृश्य देखते ही बनता है। सैकड़ों देवी देवताओं के एक साथ शहर में आगमन से शहर का वातावरण पूरी तरह से देवलोक जैसा एहसास करवाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।